बटरफ्लाई देखा है कभी? बटरफ्लाई को पार्क में जाते हो तो आप जब बटरफ्लाई के पास धीरे धीरे जाते हो और आप उसको टच करने वाले होते हो तो बटरफ्लाई क्या करती है? उसे अच्छा नहीं लगता, वो फ्लाई कर जाती है। डॉगी, कोई डॉगी, अगर डॉगी आपको रास्ते पे दिखता है जिसको आप नहीं जानते और आपको वो भी नहीं जानता, लेकिन अगर आप उसको टच करने जाओ तो वो क्या करेगा? वो बाग करता है और डराता है। सी, एनिमल्स को भी पता है कि क्या सही है और क्या गलत है, कौन सा टच अच्छा है कौन सा टच अच्छा नहीं है। वैसे आपको भी पता होना चाहिए कि बैड टच क्या है और गुड टच क्या है। वो क्या होता है? इशू। अम्मा, रहने दीजिए, लेट अस स्पीक। देखो, कपड़े पहनने के बाद भी ऐसे कुछ बॉडी पार्ट्स हैं जो हमेशा ही दिखते हैं। इशिमा का क्या क्या दिख रहा है बताओ? हैंड्स, फेस, नेक, फीट। ये सब नॉर्मली दिखता है। क्षितिजा का भी यही सब दिख रहा है। सो अगर कोई इसे टच करे तो इट्स स्टिल ओके, लेकिन ऐसे कुछ बॉडी पार्ट्स हैं जिसको हम छुपा के रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप स्विमिंग के लिए जाते हो, स्विमिंग कॉस्ट्यूम में हम जिन बॉडी पार्ट्स को कवर करके रखते हैं वो हमारे प्राइवेट पार्ट्स हैं, और उन प्राइवेट पार्ट्स को कोई टच नहीं कर सकता। क्षितिजा, कोई नहीं, कोई भी नहीं। अम्मा पापा, जब आप कपड़े चेंज करवा रहे हो या फिर डॉक्टर जब वो आपका चेकअप कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ अम्मा की प्रेजेंस में, तब इट्स ओके। लेकिन अदरवाइज ये जो आपके प्राइवेट बॉडी पार्ट्स हैं, ये आपके हैं, इन पे सिर्फ और सिर्फ आपका हक बनता है। आपके परमिशन के बिना ना कोई इन्हें देख सकता है, ना कोई इन्हें छू सकता है, ना ही आप कभी किसी और के ये स्विमिंग कॉस्ट्यूम वाले पार्ट्स देख सकते हो। गेटिंग मी? I'll tell you one thing. I know it's confusing. हमें कैसे पता लगेगा कि हमारे लिए कौन इंसान सही है कौन सा नहीं है? तो एक काम करते हैं, हम एक चार्ट बनाते हैं, इसका हम नाम रखते हैं, ये क्या लिखा है? सेफ सर्कल। अब हमारे सेफ सर्कल में वो लोग आएंगे जो हमारे लिए सेफ हैं, जिन पे हम पूरी तरह से भरोसा कर सकते हैं आंख बंद करके भी। ऐसे कौन कौन लोग हैं तुम्हारी लाइफ में? जैसे पार्टी, पार्टी, अम्मा, अम्मा भी, अप्पा भी, अप्पा भी। तो आपके सेफ सर्कल के बाहर जितने भी लोग हैं वो हमारे कितने भी क्लोज रिलेटिव्स क्यों ना हो, जैसे कभी कोई अप्पा के फ्रेंड आते हैं या अम्मा के कोई फ्रेंड्स हो या कोई हमारे और रिलेटिव्स हो या कोई आपके भाई, इनमें से कोई भी आके अगर आपको थोड़ा अलग ढंग से अगर टच करता है तो वो बैड टच की कैटेगरी में आ जाता है। अब आप पूछोगे कि कैसे समझ में आएगा कि गुड टच और बैड टच क्या है? तो अप्पा, अप्पा जब आपको ऐसे करके हग देते हैं ऐसे क्यूट सा, तो कैसा लगता है? और चिट्टी ने भी आपको हग दिया तो कैसा लगा? अच्छा लगता है। लेकिन कुछ लोगों के छूने पे अच्छा नहीं लगता है। अब कोई भी अगर आपको आपके प्राइवेट पार्ट्स पे छुए तो आपको बुरा लग सकता है, तब आपको मना करना चाहिए। नाउ योर चीक, योर हेयर, मतलब आपके गाल और बाल को अगर कोई सहलाए, पर कोई अपना है तो वो ठीक लगता है। लेकिन कोई अजनबी, जैसे वो डॉगी मना कर देते हैं ना बाक करके, वैसे जब अजनबी हम नॉर्मल इंसानों को भी टच करता है गाल पे या बाल पे और हमें अच्छा नहीं लगता है, तो हमें मना कर देना चाहिए क्योंकि वो बैड टच है। पर ईशु चिट्टी, अगर कोई मुझे बैड टच करे तो मुझे क्या करना चाहिए? भगवान ने आपको एक मुंह दिया है, कब जोर से नो बोलना। क्या करोगे आप? नो। एग्जैक्टली, जोर से नो बोलना है आपको। अगर आपको कोई बोले कि ये हमारे बीच का सीक्रेट है और आपको टच करे गलत ढंग से और बोले कि ये अम्मा पापा को मत बताना, ये सिर्फ हम दोनों के बीच की बात है, तो जोर से नो बोल के वहां से भाग जाना और भाग के सीधे अम्मा पापा के पास आना और उनको बताना इस बारे में, क्योंकि ऐसी कोई भी बात नहीं है जो कि आप अम्मा पापा के साथ शेयर नहीं कर सकते। अगर आपको कभी भी कंफ्यूजन होता है, आपको समझ में नहीं आता है कि क्या बात अच्छी है और क्या बात बुरी है, तो उस कंफ्यूजन को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका पता है क्या है?
आप मन में ये सोचो कि क्या ये बात मैं अम्मा अप्पा को बता पाऊंगी। अगर आप वो बात अम्मा अप्पा को बता पाते हो तो वो बात अच्छी बात है। और दूसरी बात, अगर कभी कोई आपको ऐसे बोलता है कि ये सीक्रेट है और अम्मा अप्पा को नहीं बताओ, तो फिर तो 100% आप वहां से भाग जाओ और जाके सबसे पहले अम्मा अप्पा को बताओ। क्योंकि अम्मा अप्पा और आपके बीच में कभी भी ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए जो छुपी हो। और अगर कभी कोई ऐसा कुछ करता भी है ना आपके साथ, तो उसमें आप कभी गलत नहीं होंगे। हमेशा याद रखना, अम्मा अप्पा, आपकी चिट्ठी, पार्टी हमेशा आप पे बिलीव करेंगे, आपका ही साथ देंगे हम हमेशा। सो यू शुड ऑलवेज रिमेम्बर कि गुड टच क्या है और बैड टच क्या है। एक बात और है, अगर कभी कोई अचानक आया आपके पास और आपसे बोला कि अम्मा अप्पा बुला रहे जल्दी चलो, लेकिन आप उसको जानते नहीं हो, स्ट्रेंजर है, तो आप क्या करोगे? या उसने बोला कि अम्मा अप्पा का एक्सीडेंट हो गया चलो चलो, तो आप भाग के उसके साथ चले जाओगे? नहीं, उसके साथ नहीं।